आज मेरे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू पास्ता बन रहा है। सिंपल और आसान तरीके से कैसे आए रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता आप भी अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 5 लोगों की सर्विंग्स के लिए हम ये पास्ता तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 पैक स्पेगेटीज ली और 1/2 पैक मैं यहाँ पे एल्बो मैकरोनी इस्तेमाल करूँगी। उबलते हुए पानी में आप पास्ता को बग़ैर तोड़े शामिल कर दीजिए। चम्मच को साथ साथ चलाते जाएं ताकि हमारा जो स्पेगेटीज है वो आपस में जुड़ ना जाएं। इसके बाद आप इसको इस तरह से छान लीजिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। तो यही सेम प्रोसेस एल्बो मैकरोनीज के साथ करना है। तो ये आ गई सब्जियाँ और चिकन। 1/2 कप ऑयल के अंदर 4 से 5 लहसुन के जवों को मैंने बारीक चॉप किया। लाइट सा मैंने इसको फ्राई करना है। चिकन मैं यहाँ पे बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 kg। छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया था। और अब आपने लहसुन के साथ अपने चिकन को इस तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। लहसुन के साथ चिकन को पकाने से इसके अंदर बहुत अच्छा सा अरोमा आता है। इसके बाद 3 से 4 हरी प्याज मैंने लिए। सफ़ेद वाला हिस्से को मैं इस तरह से बारीक चॉप करके चिकन में शामिल कर दूंगी। 2 मिनट के करीब हमने इसको इस तरह से ढक के पकाना है ताकि चिकन जो है वो कुक होने के प्रोसेस में आ जाए। और इसके बाद अब हम इसको यहाँ पे देखिए जी, हरी प्याज का फ्लेवर आ चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर 4 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल कर दिया है। 4 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर बारबेक्यू सॉस शामिल कर रही हूँ। डिपिट की बारबेक्यू सॉस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 खाने के चम्मच ही टोमेटो केचप डाल देना है। टोमेटो केचप हो, सोया सॉस हो या बारबेक्यू सॉस हो, इसमें नमक शामिल होता है, इसलिए अभी तक मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने हॉट सॉस डाले, 1 छोटा चम्मच मैंने दादरी कुटी हुई मिर्च डाली है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और इन तमाम मसालों के साथ आपने चिकन को अच्छे से पका लेना है। बस 2 से 3 मिनट तक इस तरह से हम इसको भून लेंगे ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स जो हैं वो हमारे चिकन में शामिल हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारा शानदार से चिकन ऑलमोस्ट तैयार है। बस इसके अंदर आप 2 से 3 सिप पानी डालिए और 3 से 4 मिनट तक ढककर इसको इसी तरह से ही छोड़ दीजिए ताकि चिकन टेंडर हो जाए। और अब हम यहाँ पे सब्जियाँ तैयार करेंगे। 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया, 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के चॉप किए और उसके बाद मैंने इसके अंदर गाजरें शामिल कर दी। थोड़े थोड़े से टाइम के बाद ही, 30 से 40 सेकंड के बाद ही आप तमाम सब्जियां एक के बाद दूसरी सब्जी को शामिल करते जाइए और लाइट सा फ्राई कीजिए ताकि बहुत ही अच्छा सा तेल का जो अरोमा है वो इसमें शामिल हो। थोड़ा सा हरा प्याज मैंने इसके अंदर डाला, 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 छोटा चम्मच थाइम, 1/2 छोटा चम्मच ब्राउन शुगर, 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का शामिल किया। सब्जियों के अंदर हमने सब्जियों के हिसाब से मसाला डाला है और चिकन के अंदर हमने चिकन के हिसाब से मसाला डाला है। 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से सब्जियों को टॉस कीजिए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पत्ता गोभी शामिल कर दी है, इससे भी हमारी जो पास्ता की लुक है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार सी आएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, कितनी हरी भरी सी खूबसूरत सी हमारी जो है वो सब्जियाँ हमारे चिकन में शामिल हो रही हैं। और चिकन हो गया है जी यहाँ पे तैयार। और अब हम इसके अंदर अपनी जो एल्बो मैकरोनीज को, जिसको हमने उबाल कर रख लिया था, वो शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को अब आपने यहाँ पे मीडियम हाई पे कर देना है। अच्छे से मैकरोनीज को चिकन के साथ मिला लीजिए। और अब हम शामिल करेंगे स्पेगेटीज को। और स्पेगेटीज को शामिल करने के बाद 2 खाने के चम्मच मैंने केचप शामिल किया। 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर शामिल किया है ताकि हमारी जो स्पेगेटीज हैं वो और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो जाएं। और अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से हमारे स्पेगेटीज के अंदर मिक्सअप हो, वरना तो हमेशा इस चीज़ की शिकायत होती है कि जब हम घर पर इस तरह से पास्ता को तैयार करते हैं तो वो तमाम फ्लेवर्स जो है वो आते नहीं हैं। तो मिक्सिंग का आपने बहुत ध्यान रखना है। और अब हम फाइनल स्टेप में शामिल कर रहे हैं अपनी बहुत ही शानदार सी सब्जियों को। और यहाँ पे देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आ चुकी है बारबेक्यू पास्ता के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।